हेलो वेल हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज हम आपका टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स क्या है? देखो, फोर्स है आपका, फोर्स इज ए पुश एंड पुल, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना, ठीक है, उसे अपनी पोजिशन चेंज करने के लिए मजबूर करना, वो क्या आपका फोर्स है। ओके, सो लास्ट क्लास के अंदर हमने फोर्स डिस्कस किया था एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। दो तरह की फोर्स थी, कॉन्टैक्ट फोर्सेज एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। ओके, इनके एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम आपका टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। सो स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो फोर्स क्या है? देखो, फोर्स एक पुश एंड पुल है, यानी कि किसी की भी पोजिशन को चेंज करना क्या है, फोर्स है। ओके, तो फोर्स की वजह से फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू मूव, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है उसको आप क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, इसको आप क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो, यानी कि फोर्स लगा के इसको मूव कर सकते हो। ओके, सेकंड क्या है? फोर्स कैन स्लो और कम्प्लीटली स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि आप फोर्स लगा के इसको स्लोली मूव कर सकते हो या इसको कम्प्लीटली स्टॉप कर सकते हो अपनी फोर्स लगा के। ओके, तो सेकेंड क्या है आपका? फोर्स कैन स्लो डाउन और कंप्लीटली स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि कंप्लीटली आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो, ठीक है, स्टॉप कर सकते हो या फिर उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। ओके, थर्ड है आपका, फोर्स कैन एक्सेलरेट स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। देखो, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? फोर्स होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है आपका? चेंज इन वेलोसिटी। ओके, सो वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा तो एक्सीलेशन के अंदर चेंज आएगा, और एक्सीलेट अगर कोई बॉडी ऑब्जेक्ट हो रहा है तो वो उसकी वजह से क्या होता है, स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी भी एक्सीलेट होती है, यानी कि आप स्लो कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की बॉडी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, या फिर आप किसी भी, मान लो आपका मोशन हो रहा है, ठीक है, एक मान लो मार्कर है, ठीक है, आप इसको फास्टली मूव कर सकते हो या इसको बहुत धीरे धीरे मूव कर सकते हो, इसको स्टेशनरी पोजीशन पे लेके आ सकते हो, ठीक है। तो फोर्स क्या है? फोर्स कैन एक्सीलेट द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। है मान लो ये बॉडी मूव कर रही है तो आप इसको एक्सीलेट कर सकते हो इसकी स्पीड को, या फिर इसको स्लो डाउन भी लेके जा सकते हो। ओके, तो फोर्थ वन है, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि आप डायरेक्शन जो है मूविंग ऑब्जेक्ट की वो चेंज कर सकते हो। आपने फुटबॉल खेली है, देखो फुटबॉल के टाइम पे जब आप किक करते हो बॉल को तो उसकी डायरेक्शन आप जिस डायरेक्शन में आप उसको लेके जाना चाहते हो उस डायरेक्शन के अंदर वो चली जाती है। तो जो आपने पुश किया है फुटबॉल को वो क्या है आपका, यही वाला है इफेक्ट कि फोर्स क्या होती है, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ओके, फिफ्थ वन है, फोर्स कैन चेंज शेप साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। भाई शेप एंड साइज कैसे चेंज कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट का फोर्स? रोटी देखी है, ठीक है, रोटी को बनाने के लिए जब आप उस स्टफ को गोल गोल बेलन से, चकले बेलन से जब आप उसके ऊपर मूव करते हो, फोर्स लगाते हो, तो उससे क्या बन जाता है, उस डफ से क्या बन जाता है, रोटी बन जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, फोर्स ने क्या किया, शेप एंड साइज जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो भी चेंज कर सकता है। ओके, ये थे आपके इफेक्ट्स ऑफ फोर्स जो कि आज हमने डिस्कस किए। पाँच इफेक्ट्स हमने डिस्कस किए। पहला था हमारा कि किसी भी स्टेशनरी बॉडी को मूव कर सकता है ये फोर्स, किसी भी बॉडी को कम्प्लीटली स्लो डाउन या फिर कम्प्लीटली स्पीड में ला सकता है, इसकी एक्सीलरेट कर सकता है स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। फोर्थ वन है कि डायरेक्शन चेंज कर सकता है, और फिफ्थ है कि साइज एंड शेप ऑफ बॉडी के अंदर चेंज ला सकता है। ओके, ये था आज का लेसन जो कि अभी समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, डिस्कस करेंगे आपके अप्लाइड एंड फ्रिक्शन फोर्सेज जो कि आपकी कॉन्टैक्ट फोर्सेज की, कॉन्टैक्ट फोर्सेज क्या होती है आपकी, ये डिस्कस करेंगे। देन अप्लाइड एंड फ्रिक्शन फोर्सेज आपकी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल।